आपको जानकर हैरानी होगी कि पबजी एक दिन में कितना रुपया कमाता है और अभी तक इसको कितने ज्यादा प्राइजेस मिल चुके हैं। और ये आप जो पबजी में विनर विनर चिकन डिनर सुनते हैं, ये पबजी से भी पहले यूज किया जाता था, पर जब से पबजी आया है ये उसी वक्त से ट्रेंड में आया है। और पबजी में आप जो जोन देखते हो वो सर्कल शेप का होता है, पर जब पबजी वाले उसको बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने उसको स्क्वायर बनाने का सोचा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उसको सर्कल बनाया। इस वीडियो में आप ऐसे ही पबजी के बारे में फैक्ट जानने के लिए बने रहे लास्ट तक। साल 2017 में जब पबजी एक्सबॉक्स और पीसी के लिए लॉन्च किया गया था तो पबजी बनाने वालों का यही प्लान था कि हम इसे सिर्फ इसी के लिए ही लॉन्च करेंगे, पर उसके एक साल के अंदर उसने इतना ज्यादा हंगामा मचा दिया कि उनको मोबाइल के लिए भी इसे बनाना पड़ा। और जब उन्होंने मोबाइल के लिए इसे बनाया उसके बाद ये एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया जिसको आज आप देख सकते हैं। जो पबजी गेम है उनके बनाने वाले का ये कहना है कि एक जापानी मूवी से इंस्पायर है, जिस मूवी में बहुत से लोगों को एक टापू पे छोड़ दिया जाता था और वहां पर बहुत लिमिटेड फूड होता था और उनको उसी के लूटपाट कर खाना पड़ता था, उसी को लूटपाट कर वो खाकर जीते थे और जो आखिरी में एक बचता था उसे बाहर छोड़ दिया जाता था। ये गेम बिल्कुल सेम टू सेम इसी टॉपिक पर वर्क करता है और इसी तरह काम करता है। आपने पबजी का तो फुल फॉर्म सुना ही होगा, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, पर आपने कभी सोचा है कि इसका जो शुरुआत का प्लेयर अननोन होता है इसका मतलब क्या होता है? आप सोचते होंगे कि इसमें अनजान लोग खेलते हैं इसलिए इसका शुरुआत में प्लेयर अननोन यूज होता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसने पबजी को बनाया था उनको प्लेयर अननोन नाम बहुत पसंद था और जब भी वो कोई गेम खेलते थे तो उसमें अपनी आईडी प्लेयर अननोन नाम से ही बनाते थे, इसीलिए उन्होंने जब पबजी को बनाया तो उसके शुरुआत में प्लेयर अननोन यूज किया, ना कि उसमें अनजान लोग उतरते हैं। इसलिए पबजी ऐसा गेम है जो पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फेमस है कि इस वक्त जिस वक्त यह वीडियो देख रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पबजी ही खेल रहे हैं। मात्र इंडिया में ही इसके 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो इस वक्त इसे खेल रहे हैं। पबजी में सबसे ज़्यादा डर लोगों को ब्लू जोन से लगता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लू जोन में ही मर जाते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पबजी में ब्लू जोन है सेवियर संघ की सेना से लिया गया था जिसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। इस गेम में आप जो विनर विनर चिकन डिनर लाइन सुनते हैं इस लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, ये पबजी के टाइम से ही नहीं बल्कि उससे बहुत टाइम पहले से यूज हो रही है। 19वीं शताब्दी में एक यूरोप में जुए का गेम होता था जिसमें जो सबसे ज्यादा पैसे बटोर लेता था उसे विनर विनर चिकन डिनर कहा जाता था, और पबजी में जो विनर विनर चिकन डिनर है उसका आइडिया बिल्कुल उसी से लिया गया है। पबजी गेम को आए हुए 3 साल हुए हैं क्योंकि अभी 2017 में ही लॉन्च हुआ था, पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि ये दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले गेमों में आ चुका है और ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो टाइम दूर नहीं जब पबजी नंबर 1 पर आ जाएगा क्योंकि अभी इसको आए सिर्फ 3 साल हुआ है और ये बहुत ही तेजी से उस लिस्ट में एंटर कर चुका है। पबजी को बनाने वाले का नाम ब्रेंडन ग्रीने है जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं, और उन्होंने ही कुछ टीम की हेल्प लेकर और उन्होंने पबजी को 23 मार्च 2017 को लॉन्च किया था। पबजी गेम जो इतना बड़ा गेम है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने में मात्र 70 गेम डेवलपर ने शुरुआत की थी और उन्होंने 1 साल कोडिंग कर इस गेम को बना दिया था, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने इसको लॉन्च किया ये बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ और 3 दिन के अंदर ही इसने 70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। पबजी गेम के आते ही इसने इतना तहलका मचाया कि उसके 1 साल के बाद ही इसे बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे एक्शन गेम ऑफ द ईयर, पीसी गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर, ऐसे बहुत से फेमस गेम अवार्ड्स जो पबजी को मिले और पबजी इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ऑनलाइन गेमिंग में पबजी एक बहुत बड़ा नाम है, पर आपको जान के हैरानी होगी कि जो पबजी है उसके पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पबजी के पास एक साथ 1.34 मिलियन प्लेयर्स के गेम में खेलने का रिकॉर्ड है जो ऑनलाइन गेमिंग में आज तक किसी और गेम ने हासिल नहीं किया है, वो सिर्फ पबजी ने हासिल किया है। आज आप पबजी जब शुरू करते हो तो सबसे पहले आप एरोप्लेन से लैंड करते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पबजी शुरू हुआ था तो उस वक्त आपको एक वेयर हाउस में छोड़ा जाता था, ना कि एरोप्लेन से। पर जब प्लेयर्स के सजेशन के बाद उनके जो डेवलपर्स थे उन्होंने सोचा कि हम एरोप्लेन से ही क्यों ना लैंड कराएं, तो उन्होंने एरोप्लेन से लैंड कराना शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि पबजी गेम जब इतना बड़ा गेम है तो इसको संभालने के लिए बहुत से बड़ा सेंटर होगा और वहाँ पर बहुत से लोग बैठते होंगे,
पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पबजी जहां से ऑपरेट किया जाता है मात्र 150 गेम डेवलपर ही हैं और इतने कम खर्च में ये इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि आखिर ये गेम कितना रुपया कमाता है। ये गेम इतना पॉपुलर है कि लॉन्च होने के एक साल बाद ही इसकी जो एक साल की कमाई थी वो 8652 करोड़ रुपए थी, यानी कि इतना ज्यादा पबजी कमाता है। पबजी में आपने इरेंगल मैप का तो नाम सुना ही होगा और आपने उसमें खेला भी होगा, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम इरेंगल मैप ही क्यों रखा गया। असल में जिसने इस गेम को बनाया है उसकी बेटी का नाम इरेंगल है, इसीलिए उसने इस मैप का नाम इरेंगल रखा। जो पबजी का मैप है उसे खुद ब्रेंडन ग्रेने ने डिजाइन किया था। उस मैप में उन्होंने ये दर्शाया है कि इसमें युद्ध के दौरान दो आर्मियां आपस में बहुत भयंकर तरह से लड़ी थी और उसमें एक आर्मी ने कब्जा कर लिया था। यही वजह है कि इस मैप में आपको जो घर मिलते हैं वो टूटे मिलते हैं, घर बाइक और बाकी सारे जो सामान है वो टूटा फूटा नजर आता है, और इसके साथ एरोप्लेन्स भी आपको खड़े मिलते हैं जो कि खराब होते हैं। पबजी गेम जो आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, आप यही सोचते होंगे कि इसने बहुत ज़्यादा ऐड किया होगा, पर आपको बता दें कि पबजी गेम ने बिना ऐड के ही इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल किया है। पबजी गेम ने आज तक अपना एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं किया है। पबजी गेम में पहले जो ब्लू जोन है उसे चौकोर रखने वाले थे, पर कोडिंग में एरर के कारण उसको सर्कल कर दिया गया और आज वो सर्किल होने की वजह से ही इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। आप अगर पबजी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड और iOS में आप फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, पर PC और Xbox में इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ग्राफिक्स इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। अगर आप असली पबजी लवर हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बताएं, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं ऐसे ही और धांसू फैक्ट के साथ तो इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक्स आप जल्दी से पूरा कर दीजिए और हम इसका पार्ट 2 बना देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।